अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पशु संबंधी ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटे के निशान को दबाना ना भूलें। नमस्ते किसान बंधुओं, मैं कैलाश योगी अपने चैनल पशुपालन सेवा में आपका स्वागत करता हूं। किसान बंधुओं, आपको बताऊंगा, आज गाय भैंस में बच्चा देने के बाद हर बीमारी का एक ही दवा, कोई भी बीमारी बच्चा देने के बाद अगर गाय भैंस में होगा उसका एक ही आयुर्वेद में दवाई बताऊँगा जो कि सब रोग में काम करेगा। किसान बंधु, गाय भैंस जब बच्चा देती है तो उसमें मिल्क फीवर का बीमारी होता है या गिर का समस्या होता है, जीर्ण गिराने का समस्या होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बैदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। अगले बयान में गाय भैंस आपकी पाल नहीं खाती है, पाल खाती भी है कंसीव नहीं कर पाती है, पाल ठहर नहीं पाता है। एक ही ऐसा दवाई है आयुर्वेद में कि जबकि हर रोगों में काम करेगा दवाई। पशुपालक भाई, आप लोग क्या करना है कि किसी भी दवाई देने से पहले आपको मवेशी को हरा चारा दाना बंद कर देना, बच्चा देने के बाद कम से कम 3 रोज तक हरा चारा दाना नहीं देना है। हरा चारा देना बंद कर देना, रूखा सूखा खाना देना है, पशु आहार देना है, भूसी चोकर का भूसी या दलिया दे सकते हैं। पशुपालक भाई, चलिए वीडियो बताता हूँ कौन सा दवाई है, कौन सा एनर्जी बूस्टर है, जबकि जो कि मादा मवेशी जो बच्चा दिए उसके बाद को आप बच्चा देने के बाद तुरंत उस दवाई को देना है। पशुपालक भाई, वो दवाई है यूएसएफ 1 लीटर का जार में आता है, जिसको आपको 1 लीटर जार किसी भी मेडिकल स्टोर पर से 1 लीटर की जार यूएसएफ आपको ले लेना है। तो इसको देने का तरीका आपको बताते हैं। आपको 100 ml इसमें से दवाई प्रतिदिन, 100 ml दवाई प्रतिदिन पाए भर गुड़ में गर्म करके आपको पिला देना है 10 रोज तक। अगर गेर का समस्या हो तब फिर देना है, या खाना पीना कम खा रही है, बच्चा देने के बाद खाना पीना कम खा रही है, मुर्गी तपर भी देना है, या कोई भी तरह का प्रॉब्लम आपको समझ में आए, गाय भैंस पतला पैखाना भी करने लगती है, उसमें भी इसको देना है। पशुपालक भाई, अगर यूएस आपको टॉनिक नहीं मिल पाए तो आप यूट्रासेफ ले लीजिएगा। मेनकाइंड कंपनी का यूट्रासेफ आता है, वो भी 1 ही लीटर का जार में रहता है। यूट्रासेफ नहीं मिलेगा तो आप यूटोन भी ले सकते हैं, देखते हैं यूटोन सिरप भी आता है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में आता है, मेनकाइंड का भी आता है, 20 रुपये का भी लिक्विड फॉर्म में आता है, लेकिन आप होगा अच्छा यूएसएफ, ये वैदानी का पशु के गर्भाशय के लिए बलवर्धक टॉनिक है, शक्तिवर्धक टॉनिक है, इसको आपको देना है। आप दे दीजिएगा तो इससे आपका दूध का भी मात्रा बढ़ेगा, बच्चा देने के बाद थन का भी विकास होगा, थन में जो थनैला बीमारी होता है उसमें भी काम है, गर्भाशय का जितना भी संबंधित बीमारी होगा उस सभी बीमारियों का ये बूस्टर है। 100 ml रोज प्रतिदिन पावर गुड़ को गर्म पानी में घोल करके इसको 100 ml दवाई को पिलाना है 10 रोज। किसान बंधु, पिलाइए, उसके बाद में आप कमेंट करके बताइएगा, राम बाण की तरह ये दवाई काम करेगी। किसान बंधु, अगले बार फिर आऊँगा, पशु संबंधी बीमारी के विषय में बताता रहूँगा।